नमस्कार, मैं कीर्ति पांडे, भावराव देवरस, सरस्वती विद्या मंदिर नोएडा से। आज हम कक्षा 10 के सामाजिक विज्ञान विषय में भूगोल वाली बुक के पाठ 1 संसाधन एवं विकास, इसके 8वें भाग को और अंतिम भाग को पढ़ने जा रहे हैं। और आज जैसा कि हम पिछले भागों में मृदाओं के बारे में पढ़ रहे हैं, और हमने पहले भाग में इस जो मृदाओं वाला जो पाठ चला था, तो उसमें हमने पहले भाग में जलोढ़ मृदा और काली मृदा के बारे में पढ़ा था। उसी तरह से अगले भाग में फिर काली, पीली और लैटराइट मृदा के बारे में पढ़ा था, और आज अंतिम भाग में हम शुष्क मृदा और पर्वतीय मृदा के बारे में पढ़ेंगे। तो शुष्क मृदा भारत के उत्तर पश्चिमी भाग, राजस्थान जो है वहां पर पश्चिमी भाग में यह मृदा, यह आप येलो कलर से देख रहे हैं, यह मृदा शुष्क मृदा है। इसे मरुस्थलीय मृदा भी कहते हैं। और दूसरी है पर्वतीय और वन मृदा, यह आप डार्क ग्रीन कलर से जो देख रहे हैं यह पर्वतीय और वन मृदा है। तो इन्हीं दोनों मृदाओं के बारे में आज हम पढ़ेंगे। मरुस्थलीय मृदा बच्चों, यह पश्चिमी राजस्थान, जैसा कि हमने मैप में देखा कि पश्चिमी राजस्थान में यहाँ पाई जाती है यह। और इसकी विशेषताएं देख लेते हैं। इसका रंग लाल और भूरा होता है, जैसा कि आपने फिल्मों में, वीडियो में, फोटो में देखा होगा मरुस्थलीय मृदा के बारे में। तो वही रंग लाल और भूरे रंग की यह मृदा होती है, और यह मृदा रेतीली और लवणीय होती है, और कुछ क्षेत्रों में नमक की मात्रा यहाँ इतनी ज्यादा पाई जाती है कि झीलों में जल वाष्पीकृत करके इन झीलों से नमक बनाया जाता है। तो जो खाने का नमक है वह भी इन मृदाओं से बनाया जाता है। जो मरुस्थलीय मृदा है उससे हमें नमक भी प्राप्त होता है। फिर शुष्क जलवायु होती है, जैसे कि आपको पता है राजस्थान में शुष्क जलवायु होती है और उच्च तापमान होता है, बहुत ज्यादा टेम्परेचर होता है राजस्थान का। इसी कारण यहाँ पर जल वाष्पन की दर अधिक होती है, जल वाष्पीकृत ज्यादा होता है इसी वजह से, और मृदाओं में इसी वजह से ह्यूमस और नमी की मात्रा बहुत ज्यादा कम होती है। आगे मृदा की सतह के नीचे कैल्शियम की मात्रा इसी वजह से इसमें बढ़ती जाती है, और नीचे की परतों में चूने के कंकड़ की सतह पाई जाती है। तो जो मृदा की सतह के जो ऊपरी सतह है उसके नीचे कैल्शियम की मात्रा बढ़ जाती है, और जब हम और नीचे जाते हैं मृदा की उसको खुदाई करेंगे अगर देखेंगे तो चूने के कंकड़ की उसमें सतह मिल जाती है, और इसी कारण इस मृदा में जल अंतःसंदन का मतलब होता है वह प्रक्रिया जिसमें जल मृदा पृष्ठ से होकर नीचे की ओर प्रवेश करता है। अंतःसंदन मतलब कि जैसे बारिश हुई, पानी आया, तो वो पानी नीचे नहीं जा पाता है, तो इसे ही अंतःसंदन कहते हैं। तो पानी जो नीचे नहीं जा पाता है उसे अंतःसंदन होता है कहते हैं, और इस मृदा में यह अंतःसंदन अवरुद्ध होता है, पानी नीचे नहीं जा पाता है, इसीलिए यहाँ पर भूमिगत जल की मात्रा कम होती है राजस्थानी इलाकों में। फिर इस मृदा को सही तरह से सिंचित करके कृषि योग्य बनाया जा सकता है, मतलब इस मृदा में सही समय पर सिंचाई करके, सही समय पर गुड़ाई करके और सही समय पर जुताई करके और उर्वरक खाद इनका प्रयोग करके इस मृदा को कृषि योग्य बनाया जा सकता है। अब हम आगे चलते हैं पर्वतों की ओर, और पर्वतीय मृदा या फिर वन मृदा, जैसा कि आपने ऊपर देखा पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाने वाली मृदा पर्वतीय मृदा या फिर वन मृदा कहते हैं। ये जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती है। देखेंगे आप एक बार मैप में देख लेते हैं, ये जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, सिक्किम और ये अरुणाचल प्रदेश, यहाँ यह मृदा पाई जाती है। अब इसकी विशेषताएं देख लेते हैं बच्चों। इन मृदाओं के गठन में पर्वतीय पर्यावरण के अनुसार बदलाव आता रहता है। पर्वतीय पर्यावरण में जैसा बदलाव होता है
बारिश होती है तो बदलाव होता है और मिट्टी बहकर चली जाती है, ऐसे ही बर्फ गिरती है तब मृदा में परिवर्तन, बर्फ पिघलती है तो फिर मृदा में अपरदन होता है। तो जैसी परिस्थिति, जैसा पर्यावरण पर्वतीय क्षेत्रों में पाया जाता है उसी के अनुसार इस मृदा में बदलाव होता रहता है। नदी घाटियों में ये मृदा दोमट और सिल्टधार होती है, परंतु ऊपरी ढालों में इनका गठन मोटे कणों में होता है। जैसा कि हमने खादर और बांगर में पढ़ा था, ऊपर की तरफ जो बांगर है वो मोटे कणों में होती है, तो वैसे ही ये ऊपरी ढालों में इनका गठन मोटे कणों में होता है। हिमालय के हिमाच्छादित क्षेत्रों में इन मृदाओं का बहुत अपरदन होता है। तो बर्फ से ढके हुए जो क्षेत्र होते हैं इनमें ये इन मृदाओं में जो मृदा का जो अपरदन है, मृदा की जो ऊपरी परत जो बह कर जाती है वो प्रक्रिया ज्यादा होती है। ये मृदा ह्यूमस रहित होती है, क्योंकि आपको देखा आप लोगों ने अपरदन हो रहा है, तो जहां अपरदन होता है वहां ह्यूमस की मात्रा कम होती है, तो ह्यूमस रहित रहती है यह मृदा। और नदी घाटियों के निचले क्षेत्रों, विशेषकर नदी सोपानों और जलोढ़ पंखों में आदि में ये मृदाएं उपजाऊ होती हैं। तो क्यों? क्योंकि यहाँ पर मिट्टी की परत बिछ जाती है, वहां पर उपजाऊ मृदा होती है, इसीलिए नदी घाटियां, ऊपर पर्वत, पर्वत से नदियां निकली मैदानी क्षेत्रों में, तो निचला जो क्षेत्र है नदी घाटियों का उस वाले क्षेत्र में ये मृदा जो है वो बहुत ज्यादा उपजाऊ होती है, क्योंकि उसमें जितने भी पौष्टिक तत्व होते हैं वो ज्यादा होते हैं। अब आप इसमें जो मैंने आपको मरुस्थली मृदा बताई है, इस मरुस्थली मृदा का स्क्रीनशॉट ले लीजिए जो कि आपके काम आएगा, और इसकी विशेषताएं, और आप ये वन मृदा है इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और ये विशेषताएं आपको बहुत लाभदायक होंगी। और इस प्रकार जो लेसन नंबर वन भूगोल का वो समाप्त होता है। अगले भाग में फिर मिलेंगे। नमस्कार।